आप सब बहन का इसलार क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज आपको क्रोशिया का ये सुंदर सा थालपोश बुनना सिखाएंगे। इस थालपोश को बुनने के लिए क्रीम कलर की ऊन 100 ग्राम, रेड कलर की 50 ग्राम, इससे कुछ बड़ा बुनने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जो बहन पहली बार चैनल पर वीडियो देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए। सबसे पहले इस तरह से गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद बुनेंगे हम 5 चैन। तो 5 चैन बुनते हैं, 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट वाली चैन, ये हमारी फर्स्ट वाली चैन है, यहां से हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 1 2 चैन बुनेंगे। अब इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बुननी है, 12 सिंगल क्रोशिया, तो ये भी जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो पहले बुनी थी हमने चैन 2 की, उसी के फर्स्ट वाली चैन से हम इसे यहां से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहीं से जोड़ेंगे हम ये क्रीम कलर की ऊन, इसी फंदे से क्रीम कलर की ऊन जोड़ने के बाद अब बुनेंगे हम चैन 5, 1 2 3 4 5, 5 चैन। 5 चैन बुन करके फंदा लेंगे, इसके पास जो चैन है उसमें डाल करके फंदा निकालेंगे। पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 2 से, इस तरह से, फिर 1 2 चैन, बीच में 2 चैन, हर चैन में इस तरह से, अगली चैन में डाल करके इस तरह से 1 से फंदा, 2 से, फिर 2 से, फिर 1 2 चैन, फिर देखिए इसमें डाल करके 1 से, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 चैन, इसी तरह से ये पूरा राउंड यहां तक आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 12 चैन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट में 2 चैन बुन करके, और जो हमने पहले बुनी थी 5 की चैन, तो उसी के थर्ड वाली चैन से स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब यहीं से हम बुनेंगे। अब हर चैन में हम बुनेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, तो 1 ये हो गई, 2 3, इसमें डाल करके 1 2 3, सब में हम 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आते हैं। हर चैन में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बुन ली है। अब यहां से जो 5 की चैन थी, तो ये 3 की रह गई, 2 इसमें चली गई, यहां से इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब बुनेंगे हम 7 चैन, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से, फिर 2 बार फंदा लपेटेंगे। इसके बाद फर्स्ट छोड़ करके चैन सेकंड में डाल करके, देखिए वो 2 से निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम 3 से, फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे, 2 बार फंदा लपेटेंगे, फिर 1 छोड़ करके, देखिए सेकंड में, फर्स्ट छोड़ करके सेकंड में 2 से, और फिर 3 से फंदा निकालेंगे, फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे, 2 बार फंदा लपेटेंगे, फिर 1 छोड़ करके 2 वाली चैन इसमें डाल करके, पहले 2 से, फिर 3 से, यहां बीच में देखिए सब में आपको फर्स्ट ये जो चैन है छोड़नी है, फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे, 2 बार फंदा लपेटेंगे, फिर देखिए 1 चैन छोड़ करके, और ये देखिए इसमें 2 वाली चैन, ये सेकंड चैन में इसमें डाल करके इस तरह से, फिर 3 चैन बुनेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं यहां तक, फिर आपको दिखाते हैं।
ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सब में बीच में एक एक चैन छूटी हुई है। लास्ट में देखिए थ्री चैन बुन करके, जो पहले सेवन चैन बुनी थी उसी के फोर्थ वाली चैन से यहां से स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से वन चैन बुनेंगे, अब इस तरह से पकड़ेंगे, इसमें डाल करके वन टू थ्री फोर फाइव, ये भी जोड़ लेंगे तो हमारे हो जाएंगे फंदे सिक्स। सभी से फंदा निकालेंगे, फिर इस तरह से यहां से यहां से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर वन चैन बुनेंगे, फिर इस तरह से पकड़ेंगे, इसमें डाल करके वन टू थ्री फोर फाइव, ये जोड़ लेंगे सिक्स हैं फंदे, फिर इस तरह से यहां से एक साथ स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर वन चैन बुन करके फिर इसी तरह से वन टू थ्री फोर फाइव, यहां से स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर वन चैन फिर इसमें डाल करके वन, इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं यहां तक, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहां देखिए इस तरह से जोड़ना है वन टू, यहां से जोड़ेंगे स्लिप स्टिच, यहां से ऊन कट करेंगे, इस तरह से फंदा निकालेंगे, पीछे की तरफ से फांस देंगे। अब जोड़ेंगे रेड कलर की ऊन इस तरह से, यहां से ये ऊन जो है थोड़ा धागा रखेंगे, बुनेंगे हम थ्री चैन वन, और इस तरह से ये जो ऊन है फांसते हुए टू थ्री थ्री चैन। अब यहां से कि यहां से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे इस तरह से, फिर वन टू थ्री चैन इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, वन टू थ्री चैन यहां से जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर वन टू थ्री, इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके थ्री चैन बुन करके लास्ट में यहां से जो पहले हमने थ्री चैन बुनी थी यहीं से इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, यहां से फिर से देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद इसमें देखिए हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया, फाइव सिंगल क्रोशिया, इस तरह से फंदा निकालेंगे, वन हो गई टू थ्री फोर फाइव, हर चैन में हम बुनेंगे फाइव सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव, अगली चैन में वन टू थ्री फोर फाइव, इसी तरह से ये पूरा राउंड यहां तक आते हैं कंप्लीट करके, फिर आपको दिखाते हैं। हर चैन में हमने फाइव सिंगल क्रोशिया बुन ली है, ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में यहां से इस तरह से जोड़ देंगे, यहां से ऊन कट करेंगे, इस फंदे से उनको निकालेंगे इस तरह से,
और ये ऊन पीछे की साइड में। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी भी चैन से आप ऊन को जोड़ सकती हैं। हमने यहां से जोड़ ली है। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे, जैसे हमने ये क्रोशिया बुनी थी इसी तरह से बुनेंगे। फंदा लेंगे, इसमें हमने कोई चैन नहीं छोड़ी थी, इसमें हमें एक चैन छोड़नी है। तो फर्स्ट छोड़ देंगे, सेकंड में डालेंगे, डाल करके 1 से फिर 2 से फिर 2 से 2 चैन बुनेंगे, फंदा लेंगे, फिर फर्स्ट छोड़ करके सेकंड में डालेंगे, 1 से फंदा निकालेंगे 2 से निकालेंगे फिर 2 से निकालेंगे, इस तरह की डबल क्रोशिया। फिर 1 2 2 चैन बुन करके फिर फर्स्ट छोड़ करके सेकंड में डाल करके 1 से फंदा निकालेंगे 2 से निकालेंगे फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 चैन बुनेंगे, फर्स्ट चैन छोड़ करके सेकंड चैन में डाल करके 1 से फंदा निकालेंगे 2 से फिर 2 से, तो फिर 2 चैन बुनेंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में 2 चैन बुन करके, जो पहले 5 चैन बुनी थी उसी के थर्ड वाली चैन से हम स्लिप स्टिच कर देंगे, जोड़ देंगे। अब हर चैन में, इसमें हमने हर चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बुनी थी, इसमें भी हम हर चैन में 3 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 इसमें डाल करके 1 2 3 फिर इसमें 1 2 3 इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। हर चैन में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बुन ली है। जो पहले ही बुनी थी हमने 5 की चैन, तो ये 2 इसमें चली गई, 3 है, यहीं से इसे हम जोड़ देंगे, बुनेंगे 7 चैन 1 2 3 4 5 6 7 जैसे हमने इसमें जो है वो क्रोशिया बुनी थी। 2 बार फंदा लपेटेंगे, फिर 1 फर्स्ट छोड़ करके सेकंड में फर्स्ट छोड़ देंगे, 2 से फंदा निकालेंगे फिर 3 से निकालेंगे, फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे, फिर 2 बार फंदा लपेटेंगे, 1 छोड़ करके फर्स्ट छोड़ दी, सेकंड में डालना है, 2 से फंदा निकालेंगे फिर निकालेंगे हम 3 से, फिर से एक बार देखिए, 2 बार फंदा लपेटना है, फर्स्ट छोड़ करके सेकंड, 2 से फंदा निकालेंगे 3 से फंदा, फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे, 2 बार फंदा लपेटेंगे, फर्स्ट छोड़ करके सेकंड इसमें डाल करके 2 से फंदा निकालेंगे फिर 3 से निकालेंगे, फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे, 2 फंदा फिर फर्स्ट छोड़ करके सेकंड में। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में 3 चैन बुन करके, जो पहले हमने 7 चैन बनी थी कि 4th वाली चैन से यहां से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसमें हमें बुनना है, पहले 1 चैन बुनेंगे, जैसे हमने ये बुने थे इस तरह से बनेंगे, फंदा निकालेंगे 1 2 3 4 5 और ये जोड़ लेंगे तो हमारे फंदे हैं 6 यहां से ये जो छेद है इससे स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 चैन बुनेंगे, फिर इस तरह से पकड़ेंगे इसमें डाल करके 1 2 3 4 5 ये जो फंदा है
कि यहाँ पे छेद जो है सीसे डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे, वन चैन बुनेंगे, फिर इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सभी से फंदा निकालेंगे, फिर यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे, वन चैन बुनेंगे, फिर इसमें डाल करके बुनेंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। लास्ट में इसमें टू चैन बुन करके यहां से जोड़ देना है। यहां से धागा कट करेंगे, इस फंदे से निकालेंगे उनको पीछे की तरफ इस तरह से। अब जोड़ेंगे रेड कलर की ऊन इस तरह से, वन टू थ्री चैन इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, फिर वन टू थ्री चैन बुनेंगे, इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, फिर वन टू थ्री इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, फिर वन टू थ्री चैन बुनेंगे, इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, फिर थ्री चैन बुनेंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में यहां से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसमें बुनेंगे हम फाइव, जैसे हमने फाइव इसमें सिंगल क्रोशिया बुनी थी, इसमें भी हम फाइव सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, हर चैन में हम फाइव इसमें डाल करके फाइव सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर इसमें फाइव सिंगल। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से हमने ये जोड़ ली है क्रीम कलर की ऊन, यहां से यहां तक इसी डिजाइन को हमें फिर से रिपीट करना है। इसी तरह से आप इसे जितना बड़ा बुनना चाहे बुन सकती हैं। यहां से यहां तक फिर से हमने ये क्रीम कलर से रेड कलर तक फिर से क्रीम कलर की ऊन जोड़ ली है, फाइव चैन बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बुन करके फंदा लेंगे, एक चैन हमें छोड़ देना है इसमें डाल करके, देखिए वन से फंदा निकालेंगे, फिर टू से निकालेंगे, फिर टू से निकालेंगे, जैसे हमने ये बुनी थी। अब टू चैन, वन टू चैन फंदा लेंगे, फर्स्ट छोड़ करके सेकेंड चैन में डालना है, वन से निकालेंगे फंदा, टू से निकालेंगे, फिर टू से निकालेंगे, फिर टू चैन बुनेंगे, फंदा लेंगे, फर्स्ट छोड़ करके सेकेंड में डाल करके वन से टू से फिर टू से, तो वन टू चैन। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके उसके बाद फिर इसमें हमने चैन में थ्री सिंगल क्रोशिया, हर चैन में हमने थ्री सिंगल क्रोशिया बनी, इसके बाद वाला राउंड इसमें हर चैन में थ्री सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर हमने यहां से ये वाली क्रोशिया बुननी है, तो यहां से यहां तक इसी डिजाइन को आपको फिर से रिपीट करना है। तो ये हम बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसमें हर चैन में हमने फाइव सिंगल क्रोशिया बुनी थी, इसमें नहीं बुनेंगे, चैन बुन करके यदि आपको बड़ा करना है तो आप बुन सकती हैं फाइव सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर यहां से यहां तक फिर से बुन लीजिए। इसके बाद ये देखिए बॉर्डर बनाएंगे, इसका वन चैन यहां से जोड़ दिया है, वन चैन इस तरह से, वन टू थ्री फोर फंदा निकालेंगे, फिर से थ्री चैन में डाल करके वन टू थ्री फोर, यहां से फंदा निकालेंगे, फिर से सीमें डाल करके
वन टू थ्री फोर, सभी से फंदा निकालेंगे। अब इसमें डाल करके देखिए जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसमें बुनेंगे हम उसी तरह से, वन टू थ्री फोर, सभी से फंदा निकालेंगे। वन चैन बुनेंगे फिर इसी में डाल करके, वन टू थ्री फोर, फंदा निकालेंगे फिर से इसी में डाल करके चैन में, वन टू थ्री फोर। इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए थाल पोस हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जो बहन पहली बार चैनल पर वीडियो देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।